बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? मैं श्रीमती रागिनी अवस्थी, सहायक कार्यक्रम समन्वयक समग्र शिक्षा रायपुर। आज हम छत्तीसगढ़ भारती कक्षा आठवीं विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 11 हमारा छत्तीसगढ़, ये कविता पाठ है। इस पाठ के कवि हैं श्री लखनलाल गुप्ता जी। तो ये पाठ हम पढ़ेंगे। बच्चों, हम छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं और इस पाठ में छत्तीसगढ़ राज्य की खूबियों को बताया गया है कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो धान का कटोरा कहलाता है। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक जो संसाधन है, जो हमारे जो वन है। तो पाठ शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान की ओजमयी गौरव गाथा रही है, अर्थात हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो इतिहास प्रसिद्ध है। यहाँ के जो स्थान हैं वो भी ऐतिहासिक स्थान है और इसकी जो सांस्कृतिक पहचान, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति की पहचान है वो ओजमयी है, अर्थात गौरवशाली पहचान रही है। भारतीय भूभाग की यह धरती अपनी प्राकृतिक संपदा, विविध पंथ की धार्मिक सद्भावना, प्रकृति के नयनाभिराम छटाओं, सुंदर सरल भोली भाली जीवन शैली के लिए विशिष्ट पहचान रखती है। यहाँ के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग कैसे हैं? भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, बहुत सरल है। यहाँ बहुत सारे पंथ के लोग, बहुत सारे धर्मावलंबी लोग भी रहते हैं और सब आपस में प्रेम और सद्भावना पूर्वक रहते हैं। यहाँ की प्राकृतिक संपदा व प्राकृतिक छटा भी कैसी है? निराली है। प्राकृतिक संपदा भरपूर है। किसानों के मेहनत कस जीवन का प्रतीक धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध यह राज्य जिन विविधताओं से पूरित और सुशोभित हो रहा है, उसे कवि ने अपनी कविता में सरस रूप में प्रस्तुत किया है। तो आइए हम पहले कविता का वाचन करते हैं। उच्च गिरी कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश, जहाँ थकरता शासन सुभग वीर गर्वित गोड़ों का वंश। नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि सरिताएं कूत ललाम, प्रवाहित होती कल कल नाद हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। रत्नपुर करता गौरव प्रकट, सुयश गाता प्राचीन मलार, नित्य उन्नति अवनति का दृश्य देखता दलहा खड़ा उदार। तीर्थ थल राजिम परम पुनीत और शिवरी नारायण धन्य, कह रहे महानदी तट सतत यहाँ की धर्म कथाएं रम्य। प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कमनी, यहाँ है वन संपदा अपार, भूमि से भरा हुआ है विपुल कोयले लोहे का भंडार। यहाँ का है सुंदर साहित्य, हुए हैं बड़े बड़े विद्वान, कीर्ति है जिनकी व्याप्त विशेष, आज भी हैं पाते सम्मान। कौन कहता है यह पिछड़ा हुआ अग्रसर है उन्नति की ओर, कटोरा यही धान का कलित चाहते सभी कृपा दृक्षोर। नहीं यह कभी किसी से न्यून, अन्न दे करता है उपकार, उर्वरा इसकी पावन भूमि अन्न उपजाती विविध प्रकार। इससे विनय यही करबद्ध प्रगति पथ पर होवे गतिमान, हमारा छत्तीसगढ़ सुख धाम करे सादर इसका गुणगान। तो बच्चों आइए इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। इन पंक्तियों को हम दो दो लाइन करके इसका भावार्थ समझेंगे। उच्च गिरी कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश, करता था शासन सुभग वीर गर्वित गोड़ों का वंश। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शब्दार्थ। इन पंक्तियों में आए हुए जो कठिन शब्द है उनका शब्दार्थ देख लेते हैं। उच्च, उच्च का तात्पर्य होता है ऊंचा। सुभग, सुभग मतलब होता है सुंदर या मनोहर। संयुक्त, संयुक्त कहते हैं जुड़ा हुआ या मिला हुआ। आगे शब्द आया है गिरी, गिरी यानी होता है पर्वत। कानन, कानन का तात्पर्य होता है वन या जंगल, जिसको कहते हैं अनुपम, अनुपम जिसकी कोई उपमा ना हो। गर्वित, गर्वित कहते हैं गर्व होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं इन पंक्तियों का संदर्भ। तो संदर्भ में हम लोग क्या लिखते हैं? संदर्भ में ये जो पंक्ति है वो कौन से पाठ से अवतरित है और उसके साथ साथ इस इन पंक्तियों की रचयिता कौन है। तो ये जो पंक्ति, तो संदर्भ यहाँ पर ये होगा बच्चों कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ 11 हमारा छत्तीसगढ़ पाठ से अवतरित है और इन पंक्तियों के रचयिता कवि श्री लखनलाल गुप्ता जी हैं। प्रसंग, कवि कहते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ बहुत सारे पर्वत एवं जंगलों से आच्छादित बहुत अनुपम रूप को धारण किया हुआ है और ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो भव्य भारत का, विशाल भारत का एक सुंदर सा भूभाग है।
जहाँ करता था शासन सुभग वीर गर्वित गोड़ों का वंश, अर्थात इस प्रदेश में वीर गोड़ों का शासन था। आगे देखते हैं, नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि सरिताएं पूत ललाम, प्रवाहित होती कलकल नाद, हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। तो संदर्भ और प्रसंग तो हम देख चुके हैं, पूरे पाठ में संदर्भ प्रसंग वैसा ही रहेगा। तो हम इन पंक्तियों का भावार्थ देखने से पहले आइए पहले हम कठिन शब्दों का अर्थ अर्थात शब्दार्थ देख लेते हैं। तो इनमें जो कठिन शब्द आए हैं, जैसे सरिता, सरिता का मतलब क्या होता है, नदी। पूत, पूत किसको कहते हैं, पूत कहते हैं बेटा को। ललाम, ललाम यानि होता है सुंदर या मनोहर। प्रवाहित, प्रवाहित बहना। नाद, नाद कहते हैं आवाज को। अभिराम, अभिराम कहते हैं मनोहर, सुखद या रम्य। तो आइए देखते हैं हम भावार्थ। तो यहाँ पर भावार्थ ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में महानदी, शिवनाथ नदी आदि बहुत सारी नदियाँ हैं जो छत्तीसगढ़ की धरती को उर्वरा बनाती हैं, सिंचित करती हैं और कलकल नाद करती हुई इस छत्तीसगढ़ की धरा में अपनी सुंदरता बिखेरती हुई इस छत्तीसगढ़ को धन्य से भरपूर कर देती है। इस प्रकार से ये नदियाँ जो हैं हमारे छत्तीसगढ़ की सुंदरता में और वृद्धि करती है, इनकी शोभा को बढ़ाती है। रत्नपुरकर्ता, रत्नपुरकर्ता गौरव प्रगट, सुयस गाता प्राचीन मलार, नित्य उन्नति अवनति का दृश्य, देखता दलहा खड़ा उदार। तो आइए देखते हैं हम शब्दार्थ। गौरव, गौरव का मतलब होता है सम्मान या इसी को कहते हैं महिमा। सुयस, सुयस सुकीर्ति। प्राचीन, प्राचीन यानी पुराना। उन्नति, उन्नति किसको कहते हैं, उन्नति कहते हैं प्रगति को। अवनति, अवनति यानी कमी या न्यूनता, और उन्नति का उल्टा क्या होता है, अवनति। उदार, उदार यानी होता है दयालु। तो आइए देखते हैं हम भावार्थ। रत्नपुर हमारे छत्तीसगढ़ का एक गौरवशाली नगर है, इसका जो गौरव गान है उसको गाया जाता है, और हमारा छत्तीसगढ़ जो है नित्य उन्नति अवनति का दृश्य, देखता दलहा खड़ा पा उदार। और हमारे छत्तीसगढ़ में जो दलहा पहाड़ है वो यहाँ छत्तीसगढ़ की में ने बहुत सारे दिन देखे हैं, उन्नति के दिन भी देखे हैं, अवनति के दिन भी देखे हैं। तो ये दोनों उन्नति और अवनति के दिन को देखता हुआ उदार बना हुआ दलहा पहाड़ जो है वो साक्षात छत्तीसगढ़ में विराजमान है। आगे देखते हैं, तीर्थथल राजिम परम पुनीत, अवस्यूरी नारायण धन्य, कह रहे महानदी तट सतत, यहाँ की धर्म कथाएं रम्य। तो बच्चों पहले देख लेते हैं हम शब्दार्थ। शब्दार्थ पुनीत, पुनीत का मतलब होता है पवित्र। सतत, सतत यानि लगातार। रम्य, रम्य यानि सुंदर। इन पंक्तियों में कवि छत्तीसगढ़ की जो तीर्थ स्थल राजिम सूर्य नारायण, हमारा छत्तीसगढ़ जो है बहुत सारे तीर्थ स्थलों को लिए हुए है, यहाँ के बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं जो प्राकृति, जो प्राचीन समय से ही जो विराजमान हैं और अपनी जो गौरव गाथा को लिए हुए हैं, तो उनका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं कि तीर्थ स्थल राजिम परम पुनीत, यहाँ जो छत्तीसगढ़ में बसा हुआ राजिम जो है वो परम पुनीत, एकदम पवित्र जो नगरी है, और सूर्य नारायण धन्य, और सूर्य नारायण नगरी भी धन्य है। ये दोनों नगरियाँ या यहाँ बहुत सारे ऐसे ऐसे स्थल हैं छत्तीसगढ़ में, धार्मिक स्थल है कि जहाँ पर जाते ही लोगों के पाप क्या हो जाते हैं, मानो कट जाते हैं, पाप धुल जाते हैं, और ये तीर्थ स्थल जो हैं छत्तीसगढ़ की शोभा बढ़ाते हैं। कह रहे महानदी तट सतत, यहाँ की धर्म कथाएं रम्य, और महानदी के तट पर बसा हुआ, ये दोनों राजिम और सूर्य नारायण दोनों महानदी के तट पर बसा हुआ जो धार्मिक स्थल है, यहाँ की धर्म कथाएं, जो रम्य कथाएं हैं, सुंदर जो धार्मिक कथाएं हैं, उनको अपने आप में समेटे हुए छत्तीसगढ़ की भूमि को पवित्र बनाती हैं। आप लोग को पता है बच्चों कि राजिम में और सूर्य नारायण जो है वो श्री रामचंद्र जी वनवास की अवधि में सूर्य नारायण में आकर के कुछ दिन वो यहाँ पर रुके थे, और हमारे छत्तीसगढ़ में भी श्री रामचंद्र जी अपने वनवास की अवधि 14 वर्ष की अवधि के बहुत समय जो है छत्तीसगढ़ में इन्होंने बिताया था। तो इस प्रकार से परम पुनीत ये छत्तीसगढ़ की जो पावन धरा है वो परम पुनीत धरा है। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं, प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कमनी, यहाँ है वन संपदा अपार, भूमि में भरा हुआ है विपुल कोयले लोहे का भंडार। तो देख लेते हैं पहले शब्दार्थ। कमनी, कमनी कहते हैं कामना योग्य या उसी को कहते हैं सुंदर। संपदा, संपदा यानि भंडार, संपत्ति। अपार, अपार कहते हैं अनंत या असीम।
विपुल, विपुल यानी विशाल। तो देखते हैं हम इन पंक्तियों का भावार्थ। प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कमनी, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बहुत कमनीय है, कमनीय यानी बहुत सुंदर है, आकर्षक है, मन को मोहने वाली है। यहाँ है वन संपदा अपार। और बच्चों आप लोग को पता है हमारे जो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे वन संपदा से भरा हुआ ये छत्तीसगढ़ राज्य है। भूमि में भरा हुआ है विपुल लोहे कोयले का भंडार। छत्तीसगढ़ की भूमि में लोहा और कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसको खनन के द्वारा निकाला जाता है, और ये हमारी प्राकृतिक संपदा है जिससे हमारे राज्य को क्या मिलता है, राजस्व मिलता है। हमारा छत्तीसगढ़ इस प्रकार से बहुत सुंदर है। आगे देखते हैं, यहाँ का है सुंदर साहित्य, हुए हैं बड़े बड़े विद्वान, कृति है जिनकी व्याप्त विशेष, आज भी है पाते सम्मान। तो देखते हैं शब्दार्थ। कीर्ति, कीर्ति कहते हैं यश को या प्रसिद्धि को। आगे है व्याप्त, व्याप्त कहते हैं समाया हुआ या फैला हुआ। तो देखते हैं भावार्थ। यहाँ का है सुंदर साहित्य, हमारे छत्तीसगढ़ जो है वो साहित्य से भी भरा हुआ है। यहाँ जो बड़े बड़े विद्वान हुए हमारे छत्तीसगढ़ में, बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए जिन्होंने सुंदर और अच्छे अच्छे साहित्य की रचना की, जिसके कारण हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी और भी प्रसिद्ध हुआ। कीर्ति है जिनकी व्याप्त, और ऐसे विद्वान जिन्होंने सुंदर साहित्य की रचना की, जिनकी कीर्ति जो है वो पूरे देश में व्याप्त है, देश में क्या विदेश में भी व्याप्त है, आज भी पाते हैं सम्मान। और अपनी विद्वता के बदौलत और सुंदर साहित्य के बदौलत हमारे जो विद्वान हैं, हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो लेखक हैं, कवि हैं, वे लोग विदेशों में भी बहुत अच्छा सम्मान जो है वो अर्जित किए हुए हैं। कौन कहता है यह पिछड़ा हुआ अग्रसर है उन्नति की ओर, कटोरा यही धान का कलित, चाहते सभी कृपा दृग छोर। तो देख लेते हैं हम शब्दार्थ। उन्नति, उन्नति यानी प्रगति, अग्रसर, अग्रसर कहते हैं आगे बढ़ने वाला या आगे बढ़ना, कलित, कलित कहते हैं सुसज्जित या सुशोभित, कोर, कोर यानी होता है किनारा, कृपादृग, कृपादृग कहते हैं दया दृष्टि को। तो आइए हम देखते हैं भावार्थ। कौन कहता है यह पिछड़ा हुआ, कवि प्रश्न कर रहे हैं कि कौन कहता है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो पिछड़ा हुआ है, अग्रसर है उन्नति की ओर, और हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो दिन प्रतिदिन उन्नति के रास्ते पर क्या हो रहा है, अग्रसर हो रहा है, उन्नति करते जा रहा है, प्रगति करते जा रहा है, विकास के राह में अग्रसर होते जा रहा है। कटोरा यही धान का कलित, चाहते सभी कृपा दृग छोर, और हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो धान का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है। धान का कटोरा क्यों कहते हैं छत्तीसगढ़ को, क्योंकि यहाँ की धरती जो है वो उर्वरा है, यहाँ की धरती जो है वो यहाँ की धरती में अनेक प्रकार के जो फसलें हैं वो अच्छे से उत्पादित होती है, और अन्न धन धान्य से छत्तीसगढ़ की धरा जो है वो कैसी है, भरी हुई है छत्तीसगढ़ को, इसलिए धान का कटोरा जो है वो कहा जाता है। आप लोगों ने एक गाना भी सुना होगा, मोर लक्ष्मी दाई के कोरा भैया धान के कटोरा, अर्थात हमारा छत्तीसगढ़ क्या है, धान का कटोरा है, अन्न धन धान्य से भरपूर हमारा छत्तीसगढ़ है, चाहते सभी कृपा दृग छोर, और हमारे इस धान के कटोरा से सभी लोग क्या चाहते हैं, पूरे देश के लोग और देश के लोग भी यहाँ की कृपा दृष्टि जो है वो चाहते हैं, अर्थात छत्तीसगढ़ के अन्न के लिए हमारे देश के लोग और विदेश के लोग भी लालायित रहते हैं। आगे देखते हैं, नहीं यह कभी किसी से न्यून, अन्न दे करता है उपकार, उर्वरा इसकी पावन भूमि, अन्न उपजाती विविध प्रकार। तो देख लेते हैं हम शब्दार्थ। न्यून, न्यून यानी होता है छोटा, उपकार, उपकार कहते हैं भलाई को, उर्वरा, उर्वरा कहते हैं उपजाऊ, पावन, पावन यानी होता है पवित्र। तो देखते हैं हम भावार्थ। नहीं यह किसी से न्यून, हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो कभी भी किसी से छोटा नहीं रहा है, अन्न दे करता उपकार, और ये छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ की धरती, छत्तीसगढ़ की जो पावन भूमि है वो अन्न दे करके सबका क्या करती है, उपकार करती है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा है ही, यहाँ पर बहुत सारे अन्न जो है वो उगाए जाते हैं, यहाँ की पैदावार बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ पर सुख समृद्धि भी बहुत है। उर्वरा इसकी पावन भूमि, और छत्तीसगढ़ की भूमि कैसी है, उर्वरा है, उपजाऊ है, अन्न उपजाती विविध प्रकार, अब विविध प्रकार के अन्न, दलहन, तिलहन, धान, गेहूं, इस प्रकार से बाजरा, मक्का, बहुत सारे अन्न जो है ये छत्तीसगढ़ की धरती जो है वो क्या करती है, उपजा करके देश को अन्न धन धान्य से भरपूर, देश का भंडार जो है वो भर देती है। आगे है, ईश से विनय यही करबद्ध, प्रगति पथ पर होवे गतिमान, हमारा छत्तीसगढ़ सुखधाम, करे सादर इसका गुणगान। शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों, पहले ईश,
ईश कहते हैं ईश्वर को, भगवान को। करबद्ध, करबद्ध यानी हाथ जोड़ कर। प्रगति, प्रगति का तात्पर्य है उन्नति। गतिमान, गतिमान कहते हैं चलाए मान। सादर, सादर यानी आदर सहित। तो आइए हम देखते हैं भावार्थ। इससे विनय यही करबद्ध, प्रगति पथ पर होवे गतिमान। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो हमेशा प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहे, गतिमान होता रहे और निरंतर प्रगति करता रहे। हमारा छत्तीसगढ़ सुखधाम, और हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो सभी प्रकार का सुख देने वाला एक पवित्र धाम के समान है। करें सादर इसका गुणगान। इसलिए कवि जो है वो हम लोगों से, आपसे और खुद स्वयं भी कह रहे हैं कि हम सबको छत्तीसगढ़ का क्या करना चाहिए, हमेशा गुणगान करना चाहिए, इसकी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो क्या है, हमारी पावन भूमि है। तो बच्चों, आप लोग को ये जो हमारा छत्तीसगढ़ पाठ है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको पढ़ करके बहुत अच्छा लगा होगा। छत्तीसगढ़ के गौरवशाली इतिहास के बारे में इस जो पाठ के माध्यम से आपने जाना, छत्तीसगढ़ की वन संपदा के बारे में जाना और छत्तीसगढ़ की जो उर्वरा सस्य श्यामला भूमि है उसके बारे में आप लोग को इस पाठ के माध्यम से जानकारी हुई, आपको पाठ बहुत अच्छी लगी होगी। आइए अब हम देखते हैं, थोड़ा व्याकरण का भाग देख लेते हैं। भाषा से कविता में कमनी शब्द का प्रयोग हुआ है जो कामिनी शब्द में ई प्रत्यय के योग से बना हुआ है। तो हम आज इस पाठ के माध्यम से प्रत्यय के बारे में जानते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं, कि वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता उत्पन्न करे वो प्रत्यय कहलाता है। तो पाठ में दिए गए शब्दों में प्रत्यय शब्दों का प्रयोग कर लिखिए कि पाठ में जो शब्द है, पाठ में जो शब्द आए हैं, जैसे पठन शब्द आया, दर्शन शब्द आया, भारत, गमन, श्रवण, वर्णन, तो इन शब्दों में आप पीछे में प्रत्यय लगाएंगे और एक नया शब्द बनेगा। तो वो कैसे नया शब्द बनेगा देखते हैं। देखिए, पठन, पठन धन ई, ये जो है वो प्रत्यय है, तो पठन में ई प्रत्यय लगा तो नया शब्द बना पठनीय। दर्शन, दर्शन शब्द में ई प्रत्यय के लगने से बन गया शब्द नया दर्शनीय। भारत, भारत में ई प्रत्यय लगने से बन गया भारतीय। श्रवण, श्रवण में ई प्रत्यय लगने से बन गया नया शब्द श्रवणीय। तो इस प्रकार से प्रत्यय के बारे में आप लोगों ने जाना कि वे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़ करके शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ को आपने पढ़ा समझा, उसके आधार पर मैं आप लोग को गृह कार्य के प्रश्न दे रही हूँ और इन प्रश्नों का उत्तर आप पाठ के आधार पर अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न, कवि का ईश्वर से करबद्ध विनय क्या और क्यों है। दूसरा प्रश्न है, हमारा छत्तीसगढ़ किन किन संपदा से परिपूर्ण है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, भव्य भारत का अनुपम अंश कवि ने किसे और क्यों कहा है। और चौथा प्रश्न है, महानदी का तट क्यों प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से आज का पाठ जो है वो यहीं समाप्त होता है। आप लोग को पुनः नमस्कार।